अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुसरत गंडापुर एक मरतबा फिर आपको दमान टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील परोवा में 14वां रोड पर, और जैसा कि आप जानते हैं कि दमान टीवी आपको बर वक्त पिछले 14 दिनों से जो सैलाब की सूरत हाल है पूरे डेरा इस्माइल खान डिवीज़न में उससे आपको आगाह करता रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झोंक माछी में, और इससे आगे जो है झोंक जंडीर है और उसके बाद भिड़की का इलाका है। ये तकरीबन 600 के लगभग यहाँ पर मकानात थे, और 14 दिन गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ की जो राबता सड़क है वो बहाल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियाँ हैं, जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं, वो सही तरह से इस इलाके में शुरू नहीं की जा सकी। जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ पे नुकसानात का, तो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं इस इलाका के, इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ है इन इलाकों में? सर जी, ये नुकसान तो काफ़ी सारा हो गया, लेकिन उस जगह तो नहीं अभी लोग कोई भी मकसद पहुंच नहीं सकिया, जब मकसद कोई आके नुकसान देखे। ये पानी की वजह से लोग जो रहना पीछा हट वे के भाई यार रास्ता नहीं है, साढ़े रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, अगे ड्रेन है, बूम वही ड्रेन है, उनके नाल गऊँ भिड़की का इलाका है। असा हूँ ई टाइम झोंक माछी देते थोड़े नाल लेंदे पाए, लेकिन भिड़की शहर अगा है। कितना कितना नुकसान? कितना नुकसान सर जी, ये मुकम्मल ये शहर भिड़की तबाह हो चुके, झोंक माछी झोंक झंडीर ए तकरीबन 3-4 जहीं तकसीम है, मकसद इन्होंने भी सारा नुकसान हो चुके। शहर के उत्ते कोई शह नहीं पहुंची, मकसद कोई राशन वगैरह साकू थोड़ा मुँह मिले तो मकसद किलो जडू परोवा शहर असा गिन के पानी टाप के आने हैं, लेकिन सारे तौनी मकसद मुकम्मल राशन जो कोई टेंट वगैरह जो कोई वही शाय इमदाद नहीं पहुंची। रोड बुखार हो सारे लोगों को शुरू है, मकसद पैर भी खराब हैं, फट ना कोई डॉक्टर इमदाद की थी जो भाई यार इन्हें कोई मेडिकल जो कोई दवाई शवाई सिस्टम मिला बने, तो साधु मकसद तोड़ कहीं किसे बंदे ने तावन नहीं किया। अगर राशन वगैरह आंदा खड़े तो तहसील परोवा के बीच आंदा खड़े उतो वो जरे खान है ना वो अपना मुआद मुलादा चले खड़न, किसी को टंट किसी को टेंट देने मकसद किसी गद्दा वगैरह पिछू कन तो काफ़ी सारा राशन है सक भी पता है, लेकिन वो बस अपना एक निज़ाम सियासी लेवल ना चले खड़न सारे लोगों तोड़ी ना कोई सियासी पहुंचे ना डेरे शहर के बीच बंदा पहुंचे ना मकसद कोई। यहाँ ऐसे बीसियों देहात मौजूद हैं जहाँ पे रबता सड़क ना होने की वजह से, मोबाइल नेटवर्क्स बहाल ना होने की वजह से, बिजली का निज़ाम जो है वो ना होने की वजह से वहाँ पर जो असल नुकसान हैं उसका अंदाज़ा जो है वो नहीं लगाया जा सका। तो इंशाल्लाह हम आपको सैलाब के हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स हैं उनसे भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक अहम चीज़ वो ये है कि जितने भी लोग जो रिलीफ एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व हैं, जो इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, वो कोशिश करें कि जो आखिरी इलाके हैं जहाँ तक भले रसाई जो है वो मुश्किल है, लेकिन अगर वहाँ तक आप इमदाद पहुँचाएँगे तो ये इन लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, बजाय इसके कि जो शुरू में बिल्कुल लोग आ जाते हैं या इलाका आ जाता है और वहाँ पे इमदाद दे के ऐसी तंजीमें हैं, ऐसे रज़ाकार हैं जो इमदाद दे के शुरू के इलाकों में चले जाते हैं, लेकिन उससे जो पिछले टेल पे लोग बैठे हुए हैं वो महरूम रह जाते हैं। तो इस चीज़ के हवाले से जितने भी इमदादी सरगर्मियों में जो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं वो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। नुसरत गंडापुर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिकन हाउस के प्रोजेक्ट कंकोडिया कॉलेज डेरा इस्माइल खान में FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग और ICS में दाखिले जारी हैं। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर, महदूद सीट्स बाकी हैं। सईद अहमद अख्तर कैंपस, नवाब अड्डा, मुल्तान रोड, DI खान।